नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के एक नारी तू नारायणी के एक विशेष कार्यक्रम में। आज एक विशेष नारी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। मैं बात कर रहा हूँ मेघना पटेल जी का। तो स्वागत है मैडम आपका हमारे इस स्टूडियो में। आप आए तो पावन हो गया हमारा स्टूडियो। मेघना जी की अगर मैं बात करूँ तो मेघना जी एक बहुत ही अच्छा और डायनामिक लेडी है और काफ़ी सामाजिक काम करती है और पॉलिटिक्स में भी अच्छा उनका सहयोग रहा है लोगों के साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ये मेंबर है और गुजरात प्रदेश कांग्रेस की एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो आज कुछ बात करेंगे इस विशेष नारी के साथ कि लोग जानते हैं, सारा शहर जानता है मेघना बहन के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक नारी के तौर पर उनकी जो छवि है जो लोग नहीं जान पाए, तो उसके बारे में कुछ हम बारीकी में जाएंगे और कुछ बात करेंगे उनसे। तो मेघना जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ दर्शकों को बताएं कि मेघना पटेल एक व्यक्ति के तौर पर कैसी है और एक विशेष नारी के तौर पर कौन है, कैसी है। आप जो सामाजिक काम करते हैं वो तो एकदम बढ़िया काम करते हैं, लेकिन एक विशेषता जो रही है आपकी बचपन से लेकिन आज तक जो संघर्ष की यात्रा रही है आपके बार, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। पहले तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी सर, कि मैं राजकारण में बाद में हूँ, पहले मैं एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। क्या बात है। तो ये सब जो समाज की हर महिला है अपना रोल निभाती है, वो मैं भी निभा रही हूँ। उसके साथ जब मैंने ये समाज के संघर्ष देखे, कि देखा कि हर एक को कुछ करना है किसी के लिए, हमें जीना है अपने लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष है। तो मेरी एक बुआ थी, वह हैंडीकैप थी, तो हैंडीकैप के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था कि भाई ट्रैवलिंग में उनको फ्री टिकट मिलेगी और उसके साथ कोई जाएगा तो उसको भी हाफ चार्ज लगेगा। सही बात। तो वो पास निकालना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ट्राई की। तब मुझे पता चला सिविल में जाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट निकालो, वो भी इतना परसेंटेज वो हैंडीकैप है तो वो पास मिलेगा। फिर उसके लिए जो डिपार्टमेंट उससे कनेक्टेड है वो डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे रोज़ लाइन में खड़े रहो, लाइन ख़त्म होने के बाद अपना नंबर आता है तब पता चलता है कि एक और डॉक्यूमेंट्स कम है, वापस वो लेके दूसरे दिन वापस वही संघर्ष करते करते मेरे 2-3 साल बीत गए थे। फिर मुझे किसी ने सजेशन दिया वहीं से कि एक काम करो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, इससे अच्छा है कि आप कोई कॉरपोरेटर या कोई पॉलिटिशियन के पास से एक लेटर लेके आओगे या उनका फ़ोन आएगा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अब उनको कहाँ ढूंढूं। तो हमें कोई पहचान वाला हमारे नेबर थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं कोई कॉरपोरेटर को जानती हूँ, उनके पास आपको लेके जाती हूँ। लेके गए, उनके लेटर उन्होंने लिख के दिया, और जब वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लेटर डाला तो काम मेरा 24 घंटे में हो गया। मैंने बोला ये तो जबरदस्त जादू है, चमत्कार हो गया। तो मैंने, जो भाई साहब ने मुझे लेटर दिया था, तो मैंने उनको पूछा भैया मुझे भी ये आपकी जो कंपनी है उसमें जॉब चाहिए भाई, मुझे भी ऐसा कुछ जादूगर बनना है। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, और राजनीति में हम लोगों की सेवा करते हैं और जितनी हो सके उतनी सेवा करने की कोशिश करते हैं। तब पता चला कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म था राजनीति का, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को सुधारने का काम आपने किया। तो हम ये मान सकते हैं कि मेघना जी की यही घटना आपकी एक प्रेरणा स्रोत बन गई, आपको एक सामान्य नारी के तौर पर जो लोग समझते थे, देखते थे, वहाँ से एक पॉलिटिकल अटैचमेंट हो गया, राजनीति में आपका प्रवेश हुआ। तो ये जो घटना हुई और आपका जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया और आप उसके अंदर संपर्क में आए और एक राजनेता के तौर पर आपको लोगों ने जाना, तो ये कब हुआ? बस उसके बाद ऐसा हुआ कि वो भाई साहब ने मुझे, तब यूथ कांग्रेस, क्योंकि मैं यंग भी थी, 20 साल की उम्र में, 2000 के साल में मैंने पॉलिटिक्स जब ज्वाइन किया, यंग तो अभी भी हुआ थैंक यू। पर तो उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस में कनेक्ट किया सूरत सिटी में। फिर जब जब अभी फिर उसके बाद नया एक संघर्ष चालू हुआ कि राजनीति करनी है तो जेब में पैसे हो तो आप राजनीति कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई नेता आने वाला हो
तो आपको टेम्पो लेके जाना है, कार्यकर्ता लेके जाना है, कार्यकर्ता अगर आपके साथ जुड़ते तो उनसे उनको उनसे उनको आपसे कोई अपेक्षा है वो आपको पूरी करनी है। तो मैं तो फाइनेंशियल इतना बैकग्राउंड था ही नहीं अपना स्ट्रॉन्ग। म्यूचुअल मोटिवेशन स्कीम रहता है राजनीति में, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करो, लेकिन उसमें फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो वो संघर्ष अब चालू हुआ, तब जाके मैंने मैंने बैकग्राउंड एक्चुअली मैं जैन हूँ, तो मैंने शादी पटेल में की है, तो वो फार्मर है, तो ज़मीन का नॉलेज थोड़ा बहुत था मेरे ससुराल तरफ से। तो मैंने छोटे मोटे साइड में बिजनेस चालू किया, क्योंकि फैमिली कब तक सपोर्ट करेगी। सही बात है ना। तो मैंने वो संघर्ष भी चालू किया इसके साथ। तो वो ज़मीन का थोड़ा यहाँ वहाँ का काम करते करते जो पैसे आते थे वो राजनीति में, जितना लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में जहाँ यूज़ हो सकता था वहाँ करने की कोशिश की। और ऐसे करके पॉलिटिक्स में यूथ कांग्रेस से लेके मैंने अपना संघर्ष चालू किया। फिर सेवा दल है, उसमें एक संस्कार का, संस्कार कैसे, भारतीय संस्कार हमारे क्या अहमियत है, कैसे होने चाहिए, उसका एक नॉलेज लिया। फिर उसके बाद महिला कांग्रेस, उसके बाद जनरल कांग्रेस, ऐसे कर करके। और देश में शायद कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा कि जहाँ मैं गई नहीं होगी। मैं 2 साल राहुल जी के साथ सेंट्रल में काम किया, और उनके साथ उनके जितने टूर प्रोग्राम थे वो मैं मैनेज करती थी। कि जैसे वो यूपी से निकल के मध्य प्रदेश जाने वाले, तो वहाँ पे क्राउड होना, ये कैसे, तो ये सब करते 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 लोग पहचानने लगे, लोगों की प्रतिक्रिया पता चलने लगी, कैसे लोगों को हम मदद रूप हो सकते वो समझ में आने लगा। तो ये एक पाठशाला ही है राजनीति, और उससे बहुत कुछ मैंने सीखा अपने पर्सनल लाइफ में भी। रोज सीखना होता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप एक जैन घराने में आपका जन्म हुआ और आपने एक पटेल से शादी की, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कल्चर होता है, तो एक कल्चरल शॉक कैसे आपने बैलेंस किया? इसमें ऐसा था कि मैं जन्म से जैन थी, लेकिन पहले से मैं, मेरे ख्याल थोड़े से मॉडर्न थे, एकदम ब्रॉड माइंडेड थे, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा मानती हूँ। और उसके बाद ऐसा नहीं है, मैंने जैनी संन्यास भी लिया था, दीक्षा बोलते हैं हमारे में, तो मैंने दीक्षा भी ली थी। 2 साल मैंने दीक्षा में रही, दीक्षा पर्याय में। फिर वहाँ पे भी कुछ ऐसा संजोग क्रिएट हुए कि मुझे संसार में वापस आना पड़ा। और आके जब समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब जाके बहुत वहाँ पे भी संघर्ष थे मेरे लिए। और उसमें से फिर तय फैमिली वालों ने ऐसा किया कि भाई शादी करवानी चाहिए, और वो बिटवीन मेरे हस्बैंड मेरे टच में आए और हमारे मैरिज हुए। तो मैरिज होने के बाद जब मैंने देखा वहाँ की रीति रिवाज बहुत अलग थे, पर जब मैं दीक्षा पर्य में थी तब जो ओरिजिनल शास्त्र है वो ऐसा कहता है कि आप पानी की जैसे रहो, जहाँ जो बर्तन में जाते हो ना वैसे बनोगे तो जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। सही बात है। तो वो मेरे दिल को छू गया था। तो वहाँ पे गई, उनके रीति रिवाज समझे, थोड़े समझने में टाइम गए, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जैनी में कांदा मतलब प्याज और लहसुन नहीं खाते वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे खाना था, अभी बचपन से कभी खाया नहीं था, तो थोड़ा टफ पड़ रहा। लेकिन एक ही बात हमेशा दिमाग में चलती रही कि नहीं, हमें पानी की तरह रहना है, तो ही हम हर जगह सेट हो पाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियों तक पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, ना पियर की तरफ से ना ससुराल की तरफ से। फिर भी पॉलिटिक्स में आना और इतने सक्सेस होना, इसलिए क्योंकि जैसे प्रवाह आपको लेके जाता है, कुदरत जो आपको सपोर्ट करती है और वो आपको जहाँ लेके जाती है वैसे आप चलते जाओ ना, तो ऑटोमेटिक आपका कारवा बनता जाता है। एकदम सही बताया आपने। तो इस ये पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप एक स्कूल भी चलाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन बताइए। मेरा ससुराल है भरूच जिले के हासोट तालुका के सोनेवकल्ला गाँव में। मैं वहाँ की, मेरे हस्बैंड बिलोंग करते हैं, मैंने वहाँ पे शादी की। उसके बाद मैंने देखा कि गांव में 60 किलोमीटर इस तरफ और 60 किलोमीटर भरूच साइड, मतलब सूरत और भरूच के बीच में वो गांव है, उतने में कोई अच्छी स्कूल ही नहीं थी। तो वो ग्राम पंचायत की स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, पर वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि बच्चे स्कूल जाते थे, टेक्स्ट बुक फ्री में आती है, तो वो बच्चे बेच देते थे और लंच फ्री होता था, वो लंच करते थे और घर जाके, और टीचर भी मज़े करे और स्टूडेंट भी मज़े करे।
में से देखा नहीं गया ये सिस्टम भी। तो 2004 की साल में मैंने 2003 में मेरा एक फाउंडेशन बनाया, ध्रुवम फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट बनाया। उसके माध्यम से जो राजकीय कुछ संपर्क आए थे मेरे पास, लोगों को पहचानती थी, उसके माध्यम से मैंने एक स्कूल का आयोजन किया जो इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि टैलेंट तो भगवान ने हर जगह दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सिटी वालों को टैलेंट दिया है, गांव में टैलेंट नहीं है। सही बात है। तो अभी गांव के टैलेंट को हमें आगे कैसे बढ़ाना, उसके लिए मैंने कुछ सोचा। मेरे अंदर कंटिन्यू चल रहा था कि मैं कैसे ये लोग को बाहर निकालूँ, ये लोग में भी एक अलग टैलेंट है और ये खुल के बाहर आएंगे तो सिटी वालों को भी पीछे में रखते हैं। अपने को कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक कि उसमें भी है कुछ अलग। मतलब हर एक व्यक्ति में एक हुनर होता है, उसको बस निखारने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से डिस्कशन किया, वहाँ की लोकल स्कूलों में जो पढ़ाते थे वो सब टीचरों को बुलाया, उनकी मीटिंग ली, बोला कि यहाँ पे स्कूल बनाना हो तो कैसे बन सकता है। तो हमने वहाँ पे स्कूल बनाई सुमेयो पल्ला में, 10 बीघा जगह लैंड ली, क्योंकि दूसरी एक कमी थी वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब कोई नहीं था। वहाँ के बच्चे क्रिकेट में, कोई फुटबॉल में, कोई बास्केटबॉल में होशियार थे, लेकिन उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं था। तो हमने 10 बीघा जगह ली, वहाँ पे स्कूल भी बनाया, गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों। कंप्यूटर उतने में कहीं नहीं थे, मैंने बताया 60 किलोमीटर सूरत साइड या भरूच साइड आप जाओ तो ऐसे कोई स्कूल ही नहीं थी। वैसे एक स्कूल का निर्माण किया वहाँ पे कि जहाँ पे आज 580 बच्चे पढ़ रहे, क्या बात, और उनकी महीने की फी मात्र 100 रुपीज़ है। अब इससे विशेष आपको एक बात करूँ तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको हर साल एक जोड़ी कपड़ा फ्री में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, क्योंकि हम खेती करके पैसे कमाते हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म खरीद के दे सकें। तो वो बच्चों को हम स्कूल की तरफ से एक यूनिफॉर्म फ्री देते हैं। नए बच्चे, नए एडमिशन हो, उनको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म देते हैं, प्लस जूते देते हैं, सॉक्स देते हैं, नोटबुक देते हैं, टेक्स्ट बुक देते हैं, स्कूल बैग देते हैं, और पेंसिल रबर जो भी एसेसरीज जरूरत है वो सब स्कूल की तरफ से। तो इसमें क्या राशि लेते हो उनसे? मंथली 100 रुपीज़ ओनली, ये सब फ्री में। 100 रुपये के अंदर आप पूरा जिम्मा लेते हो? पूरा। उसमें कोई बुक्स के एक्स्ट्रा रुपीज नहीं, ना टेक्स्ट बुक के, ना बैग के, ना यूनिफॉर्म के, एक टोकन के लिए डिसिप्लिन के तौर पर। हाँ, क्योंकि शिक्षा है, जो शिक्षा जो देते हैं तो उसके बदले में कुछ भी लेना चाहिए। करेक्ट। और फ्री में ली हुई चीजें, हाँ, और फ्री में ली हुई चीजों की कदर भी नहीं होती है, ये पैक चीज है। तो इसको ऐसे हम लोग ने डाइवर्ट किया कि भाई हम टोकन मनी 100 रुपीज पर स्टूडेंट एवरी मंथ लेंगे। तो और आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, वो बच्चों का टैलेंट आप देखो, हमें मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। सिटी के बच्चे तो दूर कोई ऐसा कर नहीं सकता, और काफ़ी बच्चे वहाँ से निकल के बाहर आए, आज काफ़ी स्टेट में हैं, काफ़ी अलग अलग GPSC के एग्जाम दे के अलग अलग क्षेत्र में उत्तीर्ण हुए हैं। बहुत बहुत, और मुझे उससे संतुष्टि है। एकदम बढ़िया। एक एक बात मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक दो चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने जहाँ जहाँ आपने संघर्ष किया वहाँ वहाँ आपने कुछ करके दिखाने की कोशिश की और करके भी दिखाया। जैसे आपने स्कूल की बात की, कुछ वाक्य ऐसा हुआ तो आपको लगा कि नहीं मुझे ये स्कूल खड़ा करना है, आपने खड़ा भी कर दिया और आज वो स्कूल चल भी रहा, रन भी हो रहा है। वैसे ही पॉलिटिक्स की बात करें कि एक वाक्य हुआ आपके साथ में, आपको समझ में आया कि अगर मुझे ये दूसरों, ये जो पीड़ा है और कोई लोग नहीं भुगते उसको अगर मुझे ओवरकम करना है तो मुझे इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना पड़ेगा, और आपने बढ़ा भी दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान जब भुगतता है तो उसके बाद वो बस वो पीड़ा वहाँ तक ही सीमित रखता है, कोई वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और उसको प्रूव भी करके दिखाया, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। हम नारी की बात करें, एक विशेष नारी की बात करें, तो सरकार की अनेक योजना है, नारी सक्षमता की और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना है, हम उसके पॉलिटिक्स में ना जाएं, पर ये जो अभियान है उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें। बहुत अच्छी बात की। मैं तो कॉलेज में सब जगह जाती हूँ और मैं 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ। जनरली क्या है कि बहुत अनादिकालों से नारियों के लिए ऐसा सोचा जाता है, भाई जैसे गुजराती में बोलते हैं हम लोग कि नारी मतलब पंचायती करती है भाई, उसको और कोई काम धंधा नहीं है, वो यहाँ की बात वहाँ करो आप, कोई बात नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अपनी लाइफ के अनुभव से बताती हूँ कि आपको हर एक को कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है, तो उनको कहीं ना कहीं
अपने जीवन के प्रेरणा बना के उसको सुधारना चाहिए। जो टाइम वो अपनी बातों में या यहाँ वहाँ करने में एनर्जी वेस्ट कर रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे, उसको सही जगह, ऐसा नहीं है कि आप राजनीति ही ज्वाइन करो, आप एनजीओ के माध्यम से कर सकते हो। जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, आप अभी तो गूगल बाबा आ गए अपने पास, गूगल बाबा को सर्च मारो भाई नारियों के लिए ये स्टेट में क्या है, सेंट्रल की क्या पॉलिसी है, उन्होंने क्या स्कीम निकाला, ये हमें कहीं नहीं जाना, उसके लिए घर पे बैठे बैठे हम एक लैपटॉप पे भी रीड कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसी बहनों को खास ऐसा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो ये आप कर सकते हो, और वो अभी हर लैंग्वेज में आता है गूगल में, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, उसके लिमिटेशन नहीं है कि भाई अंग्रेजी में आता है, आपको अपनी भाषा देखनी है और उसको क्लिक करना है। हाँ, और उसको आप रीड करो और अपने आसपास के लोगों को उसको लेके हेल्प करो, तो वो भी एक समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी मैं तो खास करके, और ये सब काम महिलाएं ज़्यादा कर सकती, क्योंकि सुबह खाना बनाया, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड चले गए जॉब पे या बिजनेस करने, बच्चे चले गए स्कूल, तो आफ्टरनून में काफ़ी सारा टाइम ऐसा होता है कि जहाँ वो कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकती है समाज के लिए। तो मैं खास उनको बोलना चाहती हूँ बार बार कि ये सब समय हम व्यस्त ना करें, उसके बदले उसको कहीं ना कहीं हम अच्छे कार्य में यूटिलाइज करें, तो हमें हमारे जीवन से एक शांति मिलती है कि नहीं मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है ना। और दूसरा एक चीज़ मेरा खास है, हर देश के हर व्यक्ति को मैं बोलती हूँ हमेशा, खास करके यंगस्टर को, कि न्यूज़ देखिए, गूगल बाबा से आप देश की राजनीति पे सर्च करिए, राजनीति भी एक हमारा हिस्सा है। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा तो घर के लोग कहाँ से मजबूत होंगे। बहुत सही बोला, ये देश भी हमारा घर है, हम ये देश में रहते हैं, ये देश हमारी जरूरतों को पूरी करता है। तो हमें ये देश की राजनीति गंदी है कह के उसको दूर भागने से अच्छा है कि वो गंदी है तो उसको कैसे सुधारा जाए, उसको अच्छा वे कैसे दिया जाए, उस पर अगर यंगस्टर थोड़ा भी ध्यान देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, न्यूज़ देखिए आप या गूगल में जाके आप देखिए कि राजनीति में क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ क्या खेल रहा है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। व्यक्ति पे मत जाइए आप, ऑल ओवर देखिए आपकी क्या होना चाहिए, उसका जो एसेंस है उसको पहचानिए, उसको पहचानिए, और उस दिशा में हम अगर देश को लेके जाए तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे पास जो संस्कार है, हमारे पास जो संस्कृति है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे देशों के पास ये सब कुछ है। तो हमारे पास होते हुए भी आज का आप अनादिकाल पहले आप देखो आप हमारा इतिहास, तो विश्व में जब आदिमानव थे तब विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के पास सोना भी रहा है, सबसे ज़्यादा मिल्कतें भी रही है, और घूमने की जगह भी कोई कम नहीं है हमारे पास। तो हमें क्यों इसको डेवलप करके कुछ नए आइडियाज़ डाल के हम क्रिएटिव वर्क करके हमारे देश को एक अलग स्थान पर लेके जा सकते हैं। ये सोच बननी चाहिए हमारे युवाओं में, युवाओं में खास बननी चाहिए, क्योंकि वही हमारा भविष्य सुधार सकते हैं। और आपने नारी की बात में बात के बारे में बात की, मैं चाहता हूँ थोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है उसके बारे में कुछ आपकी जो विचारधारा है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पहले से काफ़ी लोग अभी काफ़ी स्टेट में मॉडर्न हो गए कि अभी बेटी और बेटों में फ़र्क नहीं रख रहे, वो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टेट और काफ़ी गाँव ऐसे हैं जहाँ वो बेटा और बेटी में भेदभाव रख रहे हैं और बेटियों को पढ़ाते नहीं। अगर बेटी का जन्म हुआ तो उसको कहीं रख के आएंगे, रोज़ हम पेपर में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें या न्यूज़ चैनलें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बन रही है हमारे साथ हमारे समाज में, तो ये हमारे लिए बहुत गलत है। मैं सबको खास विनती करती हूँ, बेटी हो या बेटा हो, और हमारा आज का जनरेशन भी देखना आप, शायद बेटा घर छोड़ के माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन बेटी ससुराल जाके भी अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती, वो समय पर अपने माँ बाप का ध्यान बेटी ही रखती है। तो ये बेटी और बेटे का फर्क भुला के हमें बेटी को और बेटे को समान कष्ट देना चाहिए। अभी तो इलेक्शन सिस्टम में भी 50% आ गया है, कॉरपोरेशन स्थानीय स्वराज्य के इलेक्शनों में जिला पंचायत तालुका पंचायत में आप देखिए कांग्रेस ने विधानसभा में भी रखा है 50% महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर सरकार भी सोच रही है, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, तो फिर हम कौन होते। और कुदरत जिन्होंने हमने जन्म दिया है उसने बेटे को भी 9 महीना पेट में रखने का सिस्टम बनाया और बेटी को भी 9 महीना पेट में रखने का सिस्टम बनाया, तो फिर हम भेदभाव रखने वाले होते कौन है। सही बात है ना। तो हमें बेटी को भी इतना इज्जत देना चाहिए, सम कक्षा में बिठाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और वही बेटी मैं बोलती हूँ कि वही बेटी वही माँ बाप का ध्यान पहले बेटी रखेगी फिर बेटा रखने आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप आज दिव्यांग न्यूज चैनल में आए हो तो ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो संस्था है जो कनुभाई चलाते हैं जिससे आप काफ़ी परिचित हो,
तो यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, तो आप मैं चाहता हूँ उसका कुछ प्रतिभाव आप दीजिए। मैं कनु भाई को काफ़ी सालों से जानती हूँ, एवन मेरी एक न्यूज़ चैनल भी है गुजरात में जो जिसके ओपनिंग हुई थी, और पहला इंटरव्यू मैंने कनु भाई से ही, क्योंकि मैं उससे उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिली है। तो कैसे, क्योंकि जब मैंने उनकी हिस्ट्री जानी तो वो खुद कुछ भी नहीं थे, और संघर्ष करके हैंडीकैप होते हुए भी उन्होंने समाज में जो स्थान ग्रहण किया है, मैं वो स्थान आज भी मैं इतना संघर्ष करके वो ग्रहण नहीं कर सकती। उन्होंने जो सोचा है हैंडीकैप बच्चों के लिए कि वो सामान्य बच्चों के साथ पैरेलल चल सके, उनसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ पाए। मैंने अभी आज सुना कि GPSC और UPSC की एग्ज़ाम भी हैंडीकैप बच्चों को कनुभाई दिलाने का आगे का भी प्लान है। तो ये जो उनकी सोच है ये बहुत ब्रॉड सोच है, और ये सोच होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, समाज को हिस्सों में बांट देते, भाई ये हैंडीकैप ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये नारी है ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये जरूरी नहीं है, गलत तरीके से उसको क्लासिफाई कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके बदले जो कनु भाई ने सोचा कि भाई हम हैंडीकैप, वो मुझे तो कभी फील हुआ ही नहीं कि कनु भाई खुद हैंडीकैप है। वो इतना जुनून से है, अभी न्यूज़ चैनल चालू किया, कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, कौन से फैक्टर में क्षेत्र में वो उन्होंने तो लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने साबित कर लिया कि भाई ऐसा नहीं कि हैंडीकैप है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये नारी जैसा किस्सा है उसमें कि वो बोलते ना कि भाई नारी कुछ नहीं कर सकती, लेडीज से कुछ नहीं होता है, तो वो प्रूव करके कुछ महिलाएं आगे निकल के जो आप गुजराती में जैसे आपने बताया तो चार मड़े चोटला तो भांगे करना उठला, हाँ। पुरानी कहावत है, पर वो अब उसको ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक कर रहे हैं, और अब वो छोटी अलग तरीके से कस के एक सामान्य जीवन में कुछ अलग उत्तीर्ण होके महिलाएं बाहर उभर कर आई है और काफी अच्छा काम भी कर रही है। सही बात है, बहुत सही बात है। अभी महिलाएं बहुत आगे निकल गई है, और कनु भाई जो कोशिश कर रहे हैं उससे बच्चे खूब आगे, हैंडीकैप बच्चे इतना आगे निकल रहे हैं, वो सुन के दिल को इतना दिलासा। बस ऐसे हर स्टेट में 50 लोग भी ऐसे हो जाए कनु भाई जैसे, तो ये देश का ऐसे ही उद्धार हो गया है। बस उनसे सेल्फलेस मोटिवेशन और परसिवरेंट जो एटीट्यूड उनका उनमें है वो कई लोगों में आना चाहिए, तब ये एक दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। ट्रू। और दूसरा कि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, हम जानवर तो नहीं है, पक्षी तो नहीं है, हम मनुष्य इसलिए बनाए कि हम कुछ क्रिएटिव वर्क करें, और वो वर्क उन्होंने कनु भाई ने करके प्रूव कर दिया समाज को कि भाई ऐसा नहीं है, हम हैंडीकैप है तो भी हम बहुत कुछ कर सकते, सिर्फ आपके अंदर सोच होनी चाहिए पहले और करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मैंने हमेशा कनु भाई में देखा हुआ है। एकदम सही बताया आपने मैडम। दिव्यांगता की जब बात हम कर रहे हैं तो दिव्यांग व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं अभी भी नीचे बच्चों को यही बताया दिव्यांग बच्चों को कि पहले तो हम समाज से अलग है वो सोचना भूल जाना चाहिए, हम ये ही समाज के एक हिस्से हैं, और उनको नहीं समाज के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये दिव्यांग बच्चे भी हमारे ही समाज के एक हिस्सा है, और हमें उन्हें साथ लेके चलना चाहिए, और वो भी कनु भाई जैसे की प्रेरणा लेके कुछ भी, अगर कनु भाई हैंडीकैप होते हुए अगर समाज में ये स्थान ले सकते हैं तो वो बच्चे भी कहीं ना कहीं स्थान ले सकते हैं। उन्हें अपने दिमाग से जीतना है, ना कि हाथ पाँव, वो तो हमारे वर्कर है, हमारा मेन है जो वो है दिमाग। अगर दिमाग में आपने सोच बना दी तो सब कुछ आपको काम करने लगेगा और काम होगा, हासिल भी होगी, और वो कनु भाई ने प्रूव किया हुआ है। और मैं तो हर दिव्यांग बच्चों को बोलती हूँ कि कोशिश से मत हारिए, दिमाग से मत हारिए, बाकी जहाँ हमारा सहयोग रहेगा, जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी हम लोग हाजिर रहेंगे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे कि जो कुछ करना चाहते हैं, बस उनके पास जाइए, जहाँ ज़रूरत पड़े उनके संपर्क करिए, हम ज़रूर हाजिर रहेंगे इसमें। अच्छा बताया आपने दिव्यांगों को, संदेश भी ज़बरदस्त दिया। अंत में मेरा एक अहम सवाल एक है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है सोशल मीडिया के अंदर और चीज़ों में भटकी हुई है, तो उनके लिए एक संदेश चाहता हूँ मैं अंत में आपसे। मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी कि युवाओं को, ये देश एक हमारा परिवार है, ये देश हमारा घर है, देश के हर मोमेंट में आप राजकीय कोई पक्ष के साथ इन्वॉल्व ना हो, लेकिन घर पे बैठ के देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ सोचिए, और दूसरों को वो अगर सोशल मीडिया आप यूज़ ही कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह यूज़ करो कि भाई हम कुछ विकास की बात है तो वो दूसरों को शेयर करो कि भाई इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, वो डिबेट करना चाहिए। देश का युवा वर्ग ही ऐसा है कि जो देश को आगे ले जा सकता है,
वो ही देश का भविष्य है, तो उन्हें देश के लिए भी सोचना चाहिए और देश के कायदा कानून जो भी बदलने की जरूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान दौड़ना भी चाहिए हम लोग। बहुत बढ़िया। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ आज एक विशेष नारी के रूप में, नारी तो नारायणी के कार्यक्रम में मेघना पटेल, और काफ़ी बारीकी में उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको समझे, हमसे बात की, तो इस वार्तालाप के लिए उनको अभिवादन करता हूँ। और ऐसे ही विशेष नारियों के साथ, कुछ विशेष बातों के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।